रात में 3 बजे सोते हो, सुबह 12 बजे उठते हो, दिन भर पढ़ने की कोशिश करते हो, पढ़ाई में मन लगता नहीं है, आँख के नीचे गड्ढा हो गया है, अंदर से आँखें लाल हो गई हैं, पूरे समय लगता है कि पढ़ने का समय नहीं है और जब पढ़ने बैठो तो पढ़ने का मन नहीं करता है। मॉडर्न समय में ऐसा हो गया है कि अगर आप 4 दोस्तों की महफिल में बैठे हो और आपने अगर बोल दिया मैं भगवान कृष्ण में विश्वास रखता हूँ और भगवान ने ऐसा करने को मुझको मना किया है तो लोग आपकी हंसी उड़ाने लगते हैं। क्यों? क्यों वो लोग बुरे हैं? नहीं, क्योंकि उनके दिमाग पे कलयुग के शैतान ने कब्जा कर लिया है। वो यही तो चाहता है कि आप भगवान से दूर हो जाओ, अपनी संस्कृति से दूर हो जाओ, आप अपने कर्म से भटक जाओ। श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि भाई कि सबसे बड़ा जो संन्यास है वो कर्म है, सबसे बड़ा जो संन्यास है वो कर्म है। अगर आप सोचते हो कि पहाड़ पे चले जाना और सब कुछ त्याग देना संन्यास है, भगवान श्री कृष्ण ने ये बिल्कुल नहीं बोला। भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि जो सारे कर्म के फलों को त्याग दे वो सबसे ज्यादा सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं, सबसे बड़े बुद्धिजीवी हैं वो लोग। कर्म को त्यागने वाले बुद्धिजीवी नहीं। अपनी जड़ों को वापस मजबूत करो, अपने सच्चे दोस्तों को खोजो। सच्चा दोस्त कैसे पहचान में आएगा? वही आपका सच्चा दोस्त है जो आपके पैर पकड़ के आपको नीचे ना खींच रहा हो। आपका सच्चा दोस्त वही है जो आपके टूटे हुए पंख को आपके शरीर से वापस लगा रहा हो और आपकी उड़ने में मदद कर रहा। अब अगर वो दोस्त आपके लिए बहुत हंसी मजाक वाले रील्स आपको नहीं शेयर करता है, वो दोस्त अगर देखने में कूल नहीं दिखता है, कोई बात नहीं बेटा, ये चीजें जीवन में मान्य नहीं रखती। आपका सच्चा दोस्त वही है जो आपको आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रेरणा दे रहा। आपका सच्चा दोस्त वही है जो आपको बोल रहा है लगातार कि आप गलत कर रहे, इस तरह से आप जीवन में सही दिशा में नहीं जाओगे। और हमारी आदत होती है कि जो भी व्यक्ति हमारे बारे में बुरा बोलता है, हमें क्रिटिसाइज करता है, मुझसे दूर होना स्टार्ट कर देते। हो सकता हो आपका बहुत सच्चा मित्र हो और इसीलिए आपकी बुराई कर रहा हो और आपने उससे बात करना ही छोड़ा। अपनी जड़ों को वापस मजबूत करो, ये सारी दिक्कतें वहीं से हल होंगी। बताओ कोई इंसान बीमार कैसे ना पड़े? अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें। हमारे जो शरीर के अंदर रक्षा होती है, जो हमारा शरीर खुद की रक्षा करता है, उस सिस्टम को हम और ज्यादा मजबूत कर लें, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें। दवा खाने से तो लोग सही नहीं होते, आपको भी पता है, तभी तो बोला जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दवा खाना तो मजबूरी हो गई क्योंकि बीमारी शरीर में प्रवेश कर चुकी है। अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करें। अब आप मुझसे आके टैबलेट मांग रहे हो कि सर दवा दे दो जिससे सारी बुरी आदतें मेरी जीवन की छूट जाएं और मैं एक बहुत अच्छा व्यक्ति बन जाऊं और जीवन में सफल हो जाऊं, तो मैं आपको दवा दे दूंगा। दवा का असर क्या होता है, कितने दिन रहता है? 1 दिन।